कोरोना के खतरे के बीच दिल्ली एनसीआर में लगातार दूसरे दिन भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 2.7 रही। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में सोमवार दोपहर 1:26 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र दिल्ली में ही था। हालांकि इन झटकों से किसी भी तरह का कोई नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन लगातार दूसरे दिन आए भूकंप के झटकों से लोग चिंतित हैं। इससे पहले रविवार को शाम 5:45 पर दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। रविवार को भूकंप के झटकों की तीव्रता 3.5 थी। हालांकि लोगों का कहना था कि भूकंप के झटके तेज थे, कि सभी लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। कल और आज दोनों दिन भूकंप का केंद्र पूर्वी दिल्ली रहा। कल जमीन से 8 किलोमीटर नीचे भूकंप का केंद्र था, जबकि आज मात्र 5 किलोमीटर नीचे केंद्र रहा। जानकारों का कहना है कि अगर भूकंप का केंद्र जमीन में 15-20 किलोमीटर अंदर होता है तो रिक्टर स्केल पर तीव्रता भी ज्यादा होती है और झटके ज्यादा बड़े इलाके में महसूस किए जाते हैं। रविवार को दिल्ली में आए भूकंप के झटकों के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि दिल्ली में भूकंप के झटके महसूस किए गए। आशा है कि सभी लोग सुरक्षित होंगे। मैं आप में से हर एक की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करता हूं। वहीं डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा था कि कोरोना कम था जो भूकंप भी मचा दिया। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।